स्टूडेंट्स, सो अपने कर लिए क्लास 10th के लिए अपना जो है लेसन नंबर 10 चल रहा था, वो था इलेक्ट्रिसिटी। अपने पिछली जो वीडियो की थी उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे वो बहती है, क्या उसका कारण है, तो अपनों ने किया था कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने किससे लिखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, आई से लिखा था कि आई इलेक्ट्रिसिटी किस कारण रहती है, इसके बहने का कारण क्या होता है, विभवांतर। ठीक है, मेन कारण क्या होता है, विभवांतर, और बहते क्या है अपने इलेक्ट्रॉन, इन्हें क्या बोला जाता है, आवेश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अगली अपनी वीडियो होगी उसमें अपने क्या करेंगे, आई और वी के अंदर एक रिलेशन दर्शाएंगे कि ये दोनों के अंदर एक रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे अपने उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपने वही करने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ओम का नियम, मैंने आपको क्या बताया था कि V और I के अंदर अपने जो है क्या करेंगे, रिलेशन दर्शाएंगे। तो V के और I के अंदर जो अपने रिलेशन होता है उसको सिंपल सी बात है, पहले समझ लो कि ओम का नियम कहते हैं, होता क्या है वो आगे बताती हूँ। देखो, पढ़ो उसको, ये अपने पास एक परिविद्युत तो परिपथ है। ठीक है, इसको नहीं तो एक सिंपल सा यहाँ, चलो इसी से करते हैं, अपने पास एक विद्युत परिपथ बना हुआ है। तो देखो, इन्होंने क्या कहा, एक विद्युत परिपथ में धातु का तार, देखो सिंपल लिखा है, धातु का तार होगा जिसके अंदर से क्या होगी, करंट फ्लो हो सकती है, बह सकती है, अधातु होगी तो करंट का बहाव नहीं होगा। तो परिपथ में धातु के तार के, परिपथ में धातु के तार की दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब अपना ये पूरा परिपथ है, इसमें से अपनों ने कोई भी दो बिंदु ले लिए, तो मैंने क्या किया, बिंदु ए और बिंदु बी ले लिया। ठीक है, तो इन बिंदु दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, देखो किससे नाप रहे अपने, वी लगा हुआ, वी का मतलब यहाँ क्या आ गया, वोल्ट मीटर, क्या नापेगा अपनी, अपने विभवांतर को नापेगा कि कितना विभवांतर है इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद देखो ये एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर क्या नापता है, पिछली वीडियो में कर चुके हैं, एमीटर नापता है धारा, बैटरी हो गई, कुंजी हो गई। ठीक है, तो उत्पन्न जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा, धारा को अपने क्या कहते हैं, आई, तो क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई, कहाँ से होगी, बैटरी को देख रहे हैं हमेशा, प्लस से कैसे होगी, माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इस तरह से इसमें धारा बहेगी, उसमें जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये क्या कह रहा है कि दो सिरों के उत्पन्न बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब ए और बी के बीच जितना भी उत्पन्न विभवांतर होगा अपने उसको वोल्टमीटर से ज्ञात कर लेंगे, तो वो जो उत्पन्न विभवांतर है वो किसके समानुपाती होगा, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। देखो, अपने ये नहीं कह सकते सीधा सीधा कि धारा और जो विभवांतर है वो एक दूसरे के बराबर हो सकते, इसीलिए जो एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन होम, ठीक है, सीधा सीधा तो बोल नहीं सकते कि धारा और विभवांतर मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं, हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको क्या बोला, समानुपाती बोला, और किसने बोला, जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक, जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के रिस्पेक्ट में सबने क्या कहने लग गए, ओम का नियम कहने लग गए। तो इन्होंने क्या कहा कि धारा और जो विभवांतर है अपना वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा अपने विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो बी समानुपाती आई है, अपने यहाँ पे बी समानुपाती आई, अब बी को यहाँ तो पढ़ा है, अब अपने को यहाँ पे बराबर का निशान लाना है, तो अपने क्या करेंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे यहाँ पे, वो स्थिरांक क्या लेंगे अपने, आर, साथ में क्या पढ़ा है अपने पास, आई, तो v इज इक्वल टू आर आई आ गया अपने पास। अब आपका पॉइंट मान होगा कि r अपने पास यहाँ पे क्या है, तो r अपने पास एक यहाँ पे स्थिरांक है, स्थिरांक कह लो या कॉन्स्टेंट कह लो, जिसका मान सदैव क्या होता है, नियत रहता है, कभी भी इसका मान किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, तो r एक स्थिरांक है, इसको बिल्कुल नियत रहता है, और r को अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, आर को अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखो इसमें मैंने लगा रखा है ये लिखा हुआ आर, मतलब ये जो zigzag stripe से मैंने बनाया है ये यहाँ पे प्रतिरोध को साइन कर रहा है, ये क्या है अपना, प्रतिरोध। इन दोनों पे जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो इस पर भी उस पे प्रतिरोध की वजह से भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक बिल्कुल नियत राशि है। इसको आगे करेंगे अपने, ख्याल यहाँ करते हैं, यहाँ से आर का मान निकालो, आर बराबर क्या आ गया अपने पास, वी अपॉन में आर, तो ये अपने पास मान
पटवारी की धारा है वो किसके समानुपाती हो जाएगी, द्वि के मतलब विभवांतर के समानुपाती हो जाएगी। इन्हें चीजें समझ आ गई, ठीक है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कराना है, देखो यहाँ पे अपने इसको जो बंद कर देंगे इस तरह से डॉट लगा है मतलब अब करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। डॉट हटा दिया मतलब करंट बंद होगी बहना, तो फिलहाल अपने को करंट चाहिए तो इस पर डॉट लगा देते हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि वी और आई में क्या रिलेशन है, किसने ये दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, इसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब जो है ना वी और आई का जो अपने ग्राफ है ना वो बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है अपने को। इसका आपका प्रायोगिक जो सत्यापन है वो बुक में भी दिया हुआ है, अब अपने वो करेंगे। देखो ये फॉर्मूला हम याद रखना, आर बराबर बी अपॉन में आई। अब देखो सबसे पहले ना अपने यहाँ पे सारणी बनाते हैं, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे अपनों ने बनाया, यहाँ पे लिख लिया विभव या विभवांतर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं धारा आई, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आर। आर बराबर क्या था, वी अपॉन में आई, बना दो लाइन। देखो अब इस परिपथ से अपने इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। विभव, विभव किससे नापा जाता है, बैटरी। अपने पास मान लो अपने पास कितनी है 1.5 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगी है तभी धारा बहेगी, तो ये मान लिखो यहाँ पे अपने पास क्या है 1.5 वोल्ट की अपने पास बैटरी है, ठीक है। 1.5 वोल्ट की धारा जब विभव जब इसमें उत्पन्न हो रहा है तो अपने ये मानना कि धारा कितनी है अपने पास 1 एम्पियर। जब 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है तो धारा कितनी उत्पन्न होगी, 1 एम्पियर उत्पन्न होगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे बैटरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1.5 है 1.5 अपने को इसको कितना कर देते हैं, देखो 1.5 अपनों ने एक ही बैटरी लगाई है, 2 लगा लोगे 3 लगा लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने मान लो कितनी कर दी बैटरी, 3 वोल्ट कर दी, या मान लो 2 बैटरी लगा ली अपनों ने तो कितना हो गया, देखो 3 वोल्ट की बैटरी है तो अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगा धारा, जितना आपने वोल्ट बढ़ाया है, क्योंकि बी समानुपाती क्या होता है आई, जितना जितना अपने विभवांतर बढ़ाते जाएंगे उतना उतना ही धारा का मान बढ़ता जाएगा। एम्पियर को ए लिख रही हूं मैं यहां पे, 3 वोल्ट, ठीक है 3 वोल्ट की होगी। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने इसके अंदर एक बैटरी और लगा दी है, ज्यादा पावर की ले ली, कितने की ले ली 4.5 वोल्ट की मैंने यहाँ पे बैटरी ले ली, यहाँ पे लो 4.5 वोल्ट इसकी आप बैटरी का यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई 3 एम्पियर धारा लिख दो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे 2.9 एम्पियर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने 2.9 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कई बार जो है सेल भी इतने काम नहीं करते, या परिपथ में या ये वोल्ट मीटर जो है ये भी अपने को सही से रीडिंग नहीं देता, या एमीटर जो है उसमें कुछ खराबी होती है तो उस वजह से मान जो है पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो अपने यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2.9 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान क्या करो, देखो आर बराबर क्या है, बी अपॉन में आई, तो रखो बी कितना है अपने पास 1.5, आई अपॉन में आई कितना है अपने पास 1 एम्पियर, तो कितना हमारा आ गया 1.5 ओम। देखो मैंने आपको इसका मात्रक नहीं बताया था, जो प्रतिरोध है आर इसका मात्रक क्या होता है ओम, ओम इसलिए रखा गया है क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ओम, ये इसका साइन होता है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखो अपने क्या कर रहे हैं, दूसरा देखो 3 वोल्ट है और यहाँ पे 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट अपॉन में 2 वोल्ट, भाग दो भी कितना आएगा 1.5 ओम, ऊपर भी कितना था 1.5 ओम। उसके बाद देखो 4.5 वोल्ट है, आर बराबर वी अपॉन में आई कितना है 2.9, इसको अगर भाग दोगे ना तो ये भी ऐसे जाएगा 1.55 आगे जाता रहेगा, तो अपने फिलहाल पॉइंट के बाद एक ही संख्या लेंगे। देखो आर का मान चाहे कंडीशन कोई भी है, विभवांतर कितना है, कितनी भी धारा है, तीनों का मान क्या है देखो बिल्कुल समान है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि आर एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे अपने, देखो इसमें अपने ग्राफ बना, ठीक है ये हो गया ग्राफ। अब मैं इस साइड तो ये अपने 0 0
ये एक्स अक्ष पे मैं ले रही हूँ अपने धारा ले रही हूँ मैं, ठीक है, धारा लू, 1 2 3 4 5 इतना बहुत है। अब देखो आगे अपने कितना था, विभव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1.5, तो इतने के गैप पे लेके चलेंगे अपने 1.5 वोल्ट, फिर कितना आ गया 3 वोल्ट, फिर कितना आ गया 4.5 वोल्ट, 4.5 में आगे कितना आ गया 6 वोल्ट, देन फिर 1.5 का गैप आ गया तो कितना आ गया 7.5 वोल्ट। इस साइड अपने क्या ले रहे हैं वोल्ट, मतलब वी ले रहे हैं, ठीक है, और इस साइड क्या चल रही है अपनी धारा आई चल रही है। देखो मान रखो दोनों की विभव कितना है 1.5 वोल्ट, तो धारा कितनी है 1 एम्पियर, तो धारा देखो कितनी है 1 एम्पियर, और यहाँ पे कितना है लगभग यहाँ पे आ जाएगा इसका पॉइंट। आप लोग बिल्कुल नाप के बनाना तो बिल्कुल जो है सही ग्राफ आएगा, सरल रेखा में प्राप्त होगा। अब आगे देखो इधर आ गया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट आ गया अपने का, और इधर से अपने पास धारा कितनी है 2 एम्पियर, तो लगभग 2 एम्पियर और इधर से आ गया 3, यहाँ पे लगभग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धारा कितनी है अपने पास 2.9, 3 नहीं है 0.1 का फर्क है, इधर से कितना है अपने पास 4.5 वोल्ट, 4.5 तो ये रहा, अब यहाँ से थोड़ा सा यूं पीछे यहाँ पे लगभग यहाँ पे आएगा, ऐसे उसको अगर आगे बढ़ाते जाओगे तो इस टाइप से यू पॉइंट आपको प्राप्त होते जाएंगे। अब मिलाओ इसको, इस टाइप से मिलाओगे ना बिल्कुल क्या हो जाएगी सीधी और सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी वी और अनुपात वी और आई के बीच में, तो जो ये दर्शाती है कि वी समानुपाती क्या होता है आई होता है, जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा अपना आई बढ़ेगा। तो अपना आज का ओम का नियम था ये, अपनों ने समझ लिया कि होता क्या है, किसने दिया था, क्या सब है, उसके बाद इसका अपनों ने प्रायोगिक सत्यापन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध एक्चुअली में होता क्या है और ये किस किस पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट है।